के बाद में दोस्तों हमें स्पूल को इस प्रकार से हमें घुमा घुमा कर फिटिंग करना है। और जैसे ही स्पूल फिटिंग हो जाता है दोस्तों, तो आप आए दोस्तों जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये क्या है आप लोगों को पता है? काफी सारे लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये है जेसीपी 3DX बैकहो लोडर का कंट्रोल वाल्व, जो कि बूम कंट्रोल वाल्व है और मेन कंट्रोल वाल्व है। और दोस्तों हमने इसको ओपन किया है और इसमें प्रॉब्लम था लीकेजिंग का, लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए दोस्तों हमने इस कंट्रोल वाल्व को ओपन किया है। और दोस्तों हमने इसका ओपन का वीडियो बनाया था बट दोस्तों वो डिलीट हो गया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फिटिंग के वीडियो में पूरा पूरा क्लियर करूंगा और एक एक आइटम प्रॉपर मैं फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। और इस कंट्रोल वाल्व में मैं जो भी पार्ट फिटिंग करूंगा वो एकदम पार्ट नेम के साथ में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो पक्का 100% आप जेसीपी के कंट्रोल वाल्व में आप कभी भी नहीं फंसोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस कंट्रोल वाल्व के ब्लॉक में इस स्पूल को फिट करना होगा। दोस्तों इसका नाम है स्पूल, अगर आपको नाम नहीं पता तो दोस्तों एक नोट पैड रख लीजिए साथ में और उसके बाद आप नोट पैड पे नोट करके रख सकते हैं। दोस्तों ये स्पूल वाल्व को फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें स्पूल को हाइड्रोलिक ऑयल में डुबाना है और डुबाने के बाद में दोस्तों हमें स्पूल को इस प्रकार से हमें घुमा घुमा कर फिटिंग करना है। और जैसे ही स्पूल फिटिंग हो जाता है दोस्तों, तो आप स्पूल को एक बार अंदर बाहर करके जरूर देखना, कहीं ये फंस तो नहीं रहा है या फिर स्पूल कहीं बैंड तो नहीं है। आपको एक एक स्पूल को अच्छी तरह से बिल्कुल चेक करना है, एकदम बारीकी से चेक करना है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोलिक का काम करते होंगे दोस्तों, तो मैं बता दूं जब भी आप हाइड्रोलिक का काम करते हैं तो एकदम सबसे पहले उसमें साफ सफाई बहुत जरूरी है, आजू बाजू कचरा नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमने सारे एक एक स्पूल को हमने फिटिंग कर दिया है और हमने सारे स्पूल को चेक भी कर लिया है, कहीं कोई बैंड तो नहीं है। देख सकते हैं दूसरी साइड में कुछ इस प्रकार से स्पूल दिखता है। तो फाइनली हमने इस कंट्रोल वाल्व ब्लॉक में सारे स्पूल को फिट कर दिया है। अब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये है कंट्रोल वाल्व का सील किट। तो दोस्तों हमें एक एक करके सारे स्पूल का सील डालना है। सील का जो कॉलर है, बड़ा कॉलर है, जो अंदर गड्ढे वाला जो कॉलर है उसको अंदर डालना है और उसके बाद उसको अच्छी तरह से ब्लॉक में फिटिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक डस्ट सील डालना है कुछ इस प्रकार से। हमने सील को पहले अंदर डाल दिया, उसके बाद में हमने डस्ट सील को डाला। उसके बाद दोस्तों ये है रिटेनर वाइपर, इस केप का नाम है रिटेनर वाइपर, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसे केप ही समझते हैं कि स्पूल केप बोल देते हैं, बट इसका जो सही नाम है रिटेनर वाइपर। ओके, तो चलिए हम इसको रिटेनर वाइपर को दो एलन की बोल लगाकर अच्छे से टाइट कर देते हैं और कंट्रोल वाल को घुमाते हैं और दूसरी साइड से जो ऊपर वाला जो स्पूल है जिसका हमने अभी सील चेंज किया था उस साइड से, उसी प्रकार से हमें दूसरी साइड से भी उसी प्रकार से सील डालना है। और सील डालने के बाद दोस्तों हमें एक डस्ट सील भी डालना है और उसके बाद में हम आगे और आपको बताते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं ये सिल किट कैसा आप ले सकते हैं, मैं वो भी अभी लास्ट में बताऊंगा, बट आप देख सकते हैं हमने एक डस्ट सील डाल दिया है और उसके बाद दोस्तों हमें रिटेनर वाइपर डालना है, जो कि इसका भी नाम रिटेनर वाइपर ही है। उसके बाद में एक कैप, फिर स्प्रिंग, फिर कैप और उसके बाद में एक एलंकी बोल्ट। एलंकी बोल्ट जो है दोस्तों जाके एकदम स्पूल में टाइट हो जाएगा और टाइट होने के बाद दोस्तों जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही आप लीवर से उस साइड में लीवर अटैच हो जाएगा इस स्पूल में, जैसे ही आप लीवर को अंदर दबाओगे तो ये स्प्रिंग बाहर फेंक देगा। मतलब स्प्रिंग जो है स्पूल को सेंटर रखने का काम करता है। मतलब आप जब भी लीवर को दबाकर हल्का सा दबाओगे तो या तो ऊपर या नीचे होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लीवर छोड़ते हैं उसके बाद में लीवर जो है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है, तो वो ये स्प्रिंग काम करता है। उसके बाद में हमको स्पूल का कवर लगाना है और स्पूल का कवर लगाने के बाद दोस्तों हमें दो एलंकी से टाइट कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें इस प्रकार से पूरी
स्पूल को अच्छे तरह से चेक करना है कि प्रॉपर अंदर बाहर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, देख सकते हैं अंदर जैसे ही हम दबाते हैं तो बाहर चला जाता है और जैसे बाहर खींचते हैं तो अंदर चला जाता है, मतलब वो न्यूट्रल पोजीशन पे ऑटोमेटिक आ जाता है, वो काम करता है स्प्रिंग। ठीक है, तो फाइनली हमने एक स्पूल का सील डालकर बताया और वो स्पूल कैसा काम करता है वो हमने बताया। उसी प्रकार से सारे स्पूल इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन हमें जब स्पूल फिटिंग करते हैं, उसका सील फिटिंग करते हैं, उसके बाद में जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है क्या करना है। तो कुछ सील इस प्रकार से होता है, जो मोटी कॉलर है सील की वो अंदर साइड लगता है ब्लॉक ब्लॉक की तरफ, ये दोनों साइड से ब्लॉक की तरफ लगेगा, है ना। और उसके बाद में एक एक करके हम चलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं और सारे सील को फिटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक एक करके। और अच्छा, हमने अभी बताया था कि सील का पार्ट नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं और कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूं दोस्तों, प्ले स्टोर से आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लगभग दोस्तों सभी टाइप के व्हीकल एंड मशीनरी, इंजन एंड गियरबॉक्स के पार्ट कैटलॉग मौजूद है। उसमें लगभग सभी टाइप के व्हीकल मशीनरी के सर्विस शेड्यूल भी मौजूद है, मेंटेनेंस शेड्यूल भी है और फैन बिल्ड नंबर भी मौजूद है। अगर आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्ले स्टोर पे मैकेनिक ज्ञान सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके सारे पार्ट नंबर और नेम जान सकते हैं किसी भी प्रकार के गियरबॉक्स कंट्रोल हाइड्रोलिक पंप जिसका चाहे उसका, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने सारे सील फिट कर दिया और उसके बाद में हमने डस्ट सील भी फिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें कैप स्प्रिंग और फिर कैप और उसके बाद में हमें स्पूल को एलंकी से टाइट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हमें सभी स्पूल का एक एक करके इसी प्रकार से सबको टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों हमें स्पूल का कवर लगाना है और उसके बाद हम आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों, अभी आने वाला है कैट एक्सेलेरेटर 320D2 का पंप फिटिंग कैसा करते हैं, पंप का टाइमिंग क्या है, इंजन का टाइमिंग कैसा मिलाते हैं और उसके बाद पंप फिटिंग कैसा करते हैं, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। शायद हो सकता है इसी वीडियो के बाद में उस वीडियो को अपलोड कर दो। कैट एक्सेवेटर 320D2 के पंप फिटिंग का वीडियो के लिए कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो यार इतनी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता हूं बट दोस्तों आप लाइक नहीं करते यार, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मन करता है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यार मजा नहीं आता, दिल टूट जाता है। फिर अगर हो सके तो अभी आप लाइक कर दीजिए, आप सारा वीडियो देखकर फिर लाइक नहीं कर पाएंगे या भूल जाएंगे, तो जल्दी करो यार और अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर कर ले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ यार, मैं आप लोगों को इतनी जानकारी देता हूँ, आपका काम है इतना तो कर सकते हो ना। और देख सकते हैं हमने स्पूल के कैप स्प्रिंग को अच्छे से टाइट कर लिया है सारे स्पूल में। और हमें क्या करना होगा दोस्तों, रिटेनर वाइपर को सेंटर मिला लेना है, रिटेनर वाइपर जो है उसका होल को सेंटर मिलाना है और उसके बाद दोस्तों हमें स्पूल कवर को फिटिंग कर देना है। तो चलिए हम एक एक करके सारे स्पूल के कवर को इसी प्रकार से फिट कर देते हैं और फिर हम उसके बाद में और आगे बात करते हैं, ठीक है। फाइनली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके सारे स्पूल के कवर को हमने लगा कर टाइट कर लिया है। अब चलिए हम कंट्रोल वाल को घुमा लेते हैं और ऊपर साइड, ये है ऊपर साइड का पोर्शन, अब हमें इसका भी एक एक करके सील डालना है एक एक हर एक स्पूल में। और उसके बाद दोस्तों हमें एक एक इसमें डस्ट सील भी लगेगा। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, हम कंट्रोल वाल्व को घुमा लेते हैं सीधा, क्या है हमें सील फिटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो देख सकते हैं हमने जो कंट्रोल वाल्व खड़ा था उसको आड़ा कर लिया है, अब सील फिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें सील को फिटिंग करना होता है। आप जब भी सील फिटिंग करो दोस्तों तो उसमें नुकीला चीज या धार वाला चीज नहीं होना चाहिए, अगर उससे आप सील को दबाओगे ब्लॉक में तो कटने का चांसेस है। तो आपको क्या करना है, एक वेल्डिंग रॉड लेना है हल्का सा, उसको सामने से हल्की हथौड़ी मार करके बेंड कर लेना है और धारी नहीं बनना चाहिए, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं हमने एक एक करके सारे सील को फिटिंग कर लिया है सारे स्पूल में और उसके बाद दोस्तों हमें एक एक करके हम सारे स्पूल में डस्ट सील को भी हम
फिटिंग कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें फिर स्पूल रिटर्नर वाइपर को टाइट करना होगा सारे स्पूल के ऊपर, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका भी नाम स्पूल रिटर्नर वाइपर है, और इसमें दोस्तों दो एलेंकी होता है, दो एलेंकी से इस स्पूल को टाइट किया जाता है, और इसी से सील जो है ब्लॉक का, जो सील है स्पूल ब्लॉक का, वो सील बाहर नहीं आता। तो चलिए हम सारे रिटर्नर वाइपर को टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा हमने वीडियो को स्किप कर दिया था और सारे रिटर्नर वाइपर को हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सारे जो स्पूल है उसमें एक स्क्रू ड्रॉवर लगाकर सारे स्पूल को घुमा घुमा कर चेक कर लेना है कहीं फंस तो नहीं रहा है। उसके बाद दोस्तों सारे स्पूल को अंदर साइड में प्रेस करके देख लेना है, जैसे हम अंदर प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपर रिटर्न बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब न्यूट्रल पोजीशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं सारे एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ऊपर साइड भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, ऊपर साइड भी प्रॉपर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये किस प्रकार से, जैसा हम ऊपर उठाते हैं इस स्पूल को तो ऑटोमेटिकली वो पीछे न्यूट्रल पोजीशन पे खींच लेता है। तो इस प्रकार से अगर खींच रहा है तो समझ लेना कि प्रॉपर स्पूल सही तरीके से फिटिंग हुआ है, सील भी सही तरीके से फिटिंग हुआ है। मेरा मानना यह है कि कंट्रोल वाल जो लीकेज था वो सारे लीकेज बंद हो जाएगा। अब चलिए हम फिटिंग करते हैं रिलीफ वाल। इसे काफ़ी सारे लोग MRV भी बोलते हैं, बट दोस्तों इसका सही नाम रिलीफ वाल है। और ये सारे स्पूल का एक एक होता है, जो कि टोटल इसमें लगते हैं 8, लेकिन स्पूल तो 6 ही है, लेकिन दोस्तों एक है स्टेबलाइजर का और एक जो होता है स्पेयर में होता है, एक्स्ट्रा होता है। बाय द वे आप अपने बैकहो लोडर में ब्रेकर लगाना चाहो तो उसके लिए होता है, या फिर एक आध अगर रिलीफ वाल खराब हो गए, जाम हो गए या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आप जो स्पेयर में जो लगा होता है उसको आप निकाल करके उस जगह पे लगा सकते हो, ठीक है। बट दोस्तों आपको बता दूं, ये जो रिलीफ वाल है कुछ इस प्रकार से प्रेस होता है। अगर इस प्रकार से प्रेस हो रहा है मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अगर जाम है दोस्तों, प्रॉपर अप डाउन नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि इस रिलीफ वाल को हमें खोल कर इसे अच्छे से सर्विस करना होगा। अगर उससे भी नहीं होता है दोस्तों तो हमें न्यू रिलीफ वाल डालना होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने एक साइड का 4 रिलीफ वाल लगा दिया है और ये रिलीफ वाल के ऊपर का कैप है। दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी भी सिलेंडर का प्रेशर बढ़ाना है या घटाना है, जैसे बकेट, स्विंग आर्म, स्टेबलाइजर, किसी का भी आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं इस रिलीफ वाल से। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक नट लगा हुआ है और इस नट को हम लूज करेंगे और उसके बाद में एक स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू के ऊपर एलेंकी का निशान दिख रहा है, उसमें एलेंकी लगाना होगा। अगर हम इसे एक राउंड टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कभी भी आपको प्रेशर बढ़ाना है तो हाफ राउंड और लास्ट हो गया तो एक राउंड, इस प्रकार से प्रेशर बढ़ाना है, और घटाना भी है तो हाफ राउंड एक राउंड बस, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यार हाइड्रोलिक पाइप फाड़ना चालू कर देगा, लोरिंगें काटनी चालू कर देगी, कई जगह से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम जितना प्रेशर होना चाहिए उतना ही, जब ज़रूरत है तभी आप इस रिलीफ वाल को छेड़छाड़ करें और उसके बाद में ही आप प्रेशर बढ़ाएं, ठीक। तो देख सकते हैं हमने एक साइड के 4 रिलीफ वाल को हमने फिटिंग कर लिया है और टाइट भी कर लिया है, और उसके बाद दोस्तों हमने कंट्रोल वाल को घुमा लिया है और दूसरी साइड में दोस्तों फिर से 4 लगते हैं, मतलब नीचे साइड में 4 और ऊपर साइड में 4 रिलीफ वाल लगते हैं, कुछ इस प्रकार लगते हैं आप देख सकते हैं। और हमने 4 रिलीफ वाल को लगा दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके कैप को, रिलीफ वाल का जो कैप है उसे हमें टाइट कर लेना है अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक कंट्रोल वाल में 8 रिलीफ वाल लगे होते हैं, 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, और हमने सारे लगा दिए दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से आपको टाइट कर लेना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रे में अभी भी बहुत सारा आइटम रखा हुआ है जो कि इसी कंट्रोल वाल में फिटिंग होना है। अब चलिए हम कंट्रोल वाल को घुमा लेते हैं, मतलब सीधा कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों फिर से सारे पार्ट को फिटिंग करते हैं, ठीक है। दोस्तों कंट्रोल वाल के बीच में आपको छोटा छोटा होल दिख रहा होगा, दोस्तों इस होल में कुछ इस प्रकार का पार्ट लगता है,
इसका नाम है सीट और स्प्रिंग, उसके बाद में इसके ऊपर लगेगा एक कैप। लेकिन कंट्रोल वाल्व के जो बीच में होल है वो टोटल है 6 और एक साइड में है आगे साइड और एक है लेफ्ट साइड इधर नीचे साइड में एक, ठीक है। लेकिन जो 6 है उसमें जो सीट लगेंगे ये थोड़ी मोटी होती है और ऊपर साइड में जो एक होल है उसमें एक छोटा सीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर स्प्रिंग लगेंगे और उसके ऊपर कैप लगेगा और उसके बाद में इसको अच्छे से कैप को टाइट कर देना होता है। बट दोस्तों ये काम क्या करता है, ये किस लिए होता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो होल आपको दिख रहा है कंट्रोल वाल्व के बीच में उसके जस्ट बाजू में एक एक पाइप भी लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड भी एक एक पाइप लगा हुआ है, मतलब एक है मेन और दूसरा है रिटर्न। जैसे हम लीवर को ऑपरेट करते हैं दोस्तों तो मेन पाइप में ऑयल जाता है और ऑयल जाने के बाद दोस्तों यही वाल, ये वाल जो है ये ऊपर आ जाता है और स्पूल का लाइन ओपन हो जाता है। जैसे ही स्पूल का लाइन ओपन होता है, ये वाल ऊपर आता है तो स्पूल का लाइन ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में दोस्तों स्पूल की जो गैलरी है ब्लॉक में, उस गैलरी में ऑयल चला जाता है और जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे उसी प्रकार से वो ऑपरेट होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये काफी सारे लोग इसको पॉपिट बोलते हैं, बट पॉपिट इसका सही नाम नहीं है, इसका नाम है सीट स्प्रिंग और उसके ऊपर जो लगा हुआ है उसका नाम है कैप। लेकिन दोस्तों कभी क्या होता है, जब लीवर जाम हो जाता है, मतलब हम लीवर तो दे रहे हैं बट ऑपरेट नहीं होता है, मतलब वो रुक जाता है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक कैप को ओपन करना है, उसके बाद में स्प्रिंग और जो सीट है उसे निकाल कर चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है सीट जाम हो जाता है इसलिए फंक्शन काम नहीं करता, तो आप उसको एक एक करके खोलकर चेक करके उसको साफ करके लगा भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमने इस JCB 3DX बैकलोडर के जो बूम कंट्रोल वाल है उसको हमने फिटिंग करके इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। अगर दोस्तों कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना जरूर, और आप हमारे मैकेनिक ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, बाय दोस्तों।